वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में कोरोना संक्रमण के हाल पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोग बीमार तो पड़ रहे हैं लेकिन ठीक भी हो रहे हैं। हम पहले 20,000 टेस्ट करते थे जिसे बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया है। ऐसे डबल टेस्टिंग करके हमने कोरोना पर हमला किया है। मुझे आंकड़ों की चिंता नहीं है, आपकी सेहत की चिंता है। दिल्ली में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों पर केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। अगर हम दिल्ली में फिर से टेस्टिंग कम कर दें तो मरीजों के आंकड़े भी कम हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मुझे आंकड़ों का नहीं, आपकी सेहत को ठीक करने से मतलब है। मरीजों की संख्या से घबराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मौत बढ़ने लगेगी उस दिन चिंता की बात होगी। कोरोना से होने वाली मृत्यु को नियंत्रित करने के लिए हमने कई कदम उठाए। हमने डॉक्टरों की टीम बनाकर हर अस्पताल की ऑडिटिंग करवाई। इसमें डॉक्टरों और अधिकारियों ने जो योगदान दिया है उसके लिए उनका शुक्रिया। जब हमने होम आइसोलेशन की व्यवस्था शुरू की थी तो चारों ओर से विरोध हुआ था। आज उसी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। इस तरह जब हमने टेस्टिंग दोगुनी कर दी तो कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन हमने सबसे बातें की और उन्हें समझाया। अब सब लोग साथ आ गए। देख रहा हूं अपने कुछ साथी, कुछ लोग दिल्ली के कुछ लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। घर से निकलते हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें काम पे जाना है, इकोनॉमी भी चलानी है, घर भी चलाना है, बच्चों को भी पालना है, कमाई भी करनी है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी। घर से बाहर निकलो मास्क पहन के निकलना, घर से बाहर निकलो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना। आखिर नंबर क्यों बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर? उसका सबसे बड़ा कारण है हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा। अभी हफ्ता भर पहले तक हम 18,000, 17,000, 20,000 के करीब रोज टेस्ट किया करते थे, हमने एकदम से 40,000 कर दिए टेस्टिंग। इसे आप एक तरह से कोरोना के खिलाफ एक बहुत बड़े हमले के रूप में देख सकते हैं कि हमने कोरोना के ऊपर एक तरह से हमला छेड़ दिया है, डबल टेस्टिंग कर दी है। वहीं भारत में कोविड-19 के मामले 40 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला। बीते 24 घंटे में 86,432 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1,089 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 31 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,096 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,23,179 पर पहुंच गया है और कोरोना के इलाज के बाद 31,07,223 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के अब तक 69,561 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 86,432 कोरोना केसेस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 1,089 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है।